हेलो दोस्तों, अपने बारे में सभी कबूतर बाहर आ चुके हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग में देखो यहाँ पानी डलता रहता है, यहाँ पे घास भी उग गई है ग्रीनी। ये वाले ये भी खाते हैं और दाने भी खाते हैं, दाने में नीचे मिट्टी में ही डालता हूँ, ठीक है, वो भी खाते हैं। तो फिर आप लोग का भी हाल चाल बताओ दोस्तों, क्योंकि अभी फ़िलहाल बीमारियाँ चल रही है बहुत कबूतर में गर्मी के हिसाब से। लो जिस किसी भाई के कबूतर बीमार है वो भी कमेंट करके बताए, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने कबूतर को साफ़ सफाई में रखिए, जो उनमें दड़बा है खुड्डा है जो भी बोले रूम है कबूतर का वो सब कुछ साफ़ रखो एकदम, तो बीमारी नहीं आएगी। बाकी वो गंदा होगा तो बीमारी आएगी आएगी, ठीक है। और टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग कीजिए, 3 महीने में एक बार तो डीवॉर्मिंग कंपलसरी है इनका, ठीक है। और हर बार डीवॉर्मिंग की दवाई आती है वो जो अलग कंपनी के लीजिए, और कुछ कंटेनर अलग आएंगे उसके अंदर, तो उससे क्या जो पिछली बार बैक्टीरिया नहीं मरे वो इस बार मर जाए, ठीक है। और दोस्तों अपने चैनल पे 80,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग के सपोर्ट से, और जो कुछ मुकाम पे अपनी चैनल है वो आपके लोग के हिसाब से ही है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए तहे दिल से आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ में। मैं लॉन्ग वीडियो अभी से कम बना रहा हूँ पहले से, अभी शॉर्ट पे ही ज़्यादा फोकस है, ठीक है। ये देखो बुखारा कितना उड़ रहा है हमारे यहाँ पे, वो ब्लैक कलर का है, कम से कम अभी उड़ा था 8 से 10 फुट की हाइट पे गया था। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ में।